your miracle day. Praise the Lord. खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। हमारा खुदा जिंदा है और मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि हर रोज़ वो हमें अपना फजल देता है और उसके फजल के वसीला से हम हर रोज़ खुदा के कलाम को लेकर आप तक पहुँचते हैं, हम आपके घरों तक आ जाते हैं, हम आपके पास पहुँच जाते हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रेज टी वी योर मेडिकल डे शो। हो सकता है आपने हमें अभी इस वक्त फेसबुक लाइव पर हमें ज्वाइन किया और फेसबुक लाइव के ज़रिए से आप खुदा का कलाम सुन रहे हो, या फिर हो सकता है आप यूट्यूब लाइव हमें देख रहे हो या फिर सुन रहे हो, या हो सकता है आपने अपने मोबाइल के अंदर प्रेज टीवी ऐप को डाउनलोड किया हो और उसके ज़रिए से आप लाइव खुदा के कलाम को सुन रहे हो। तो नाज़रीन, मैं आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के खादमीन के लिए जिनके वसीला से आप खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को सुनेंगे और आप यकीनन बरकत पाएंगे। जिस तरह के हर रोज़ आप खुदा के खुदाम से मिलते हैं और आप सुनते हैं उनकी खूबसूरत गवाहियों को और सुनते हैं कलाम मुकद्दस की खूबसूरत सच्चाइयों को जो कि लातब दील हैं, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि आज फिर उसने अपने खादमीन को भेजा है। आप उनसे आज मिलेंगे, आप सुनेंगे उनकी गवाहियों को और आप सुनेंगे खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को। तो आए नाज़रीन, खुदा के खादमीन से मिलते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने सर को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे जिसने हमें यह वक्त दिया है कि हम मिलकर उसके कलाम की बातों को सुन सकें और आप तक भी खुदा के कलाम की बातों को पहुंचा सकें। तो आए दुआ करते हैं, दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे खुदा के खादम पास्टर प्रवेश अंजम साहब, दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। अहबाब, यीशु मसीह के नाम से तेरे हजूर में झुकते हैं, तेरी तज़ीम करते हैं और तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तो सजदे के लायक खुदा है। दे खुदा सारे मेल मिलाप रफाकत के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ और तेरे बंदा पास्टर शहजाद के लिए, उसकी सारी टीम के लिए, और आज जितनी भी हम तेरे कलाम के तलक से गुफ्तगू करते हैं इसमें तो हमारी बड़ी रहनुमाई कर। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यस्सु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। तो नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ मैं खुदा के लोगों के लिए, खुदा के खादमीन के लिए जो उसके खेत के अंदर काम कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फसल बहुत है, मज़दूर थोड़े हैं, और जितने मज़दूर आज तक हैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम भी मिलकर फसल के मालिक से दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं कि बहुत सारे मज़दूरों को और उठा खड़ा करें ताकि हम मिलकर उसके खेत में काम कर सकें। तो आए खुदा के खादमीन का तारफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर प्रवेश अंजम साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं और आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और इनके साथ हमारे प्यारे भाई इमैनुअल ताहिर, हम आपको भी वेलकम कहते हैं, और इनके साथ हमारे प्यारे भाई हैं पास्टर सनी गुलाब साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खुदाम के लिए। और मेरे जीजू, आज इनकी गवाहियों को आप सुनेंगे और आप यकीनन आज बरकत पाएंगे। जी पास्टर प्रवेश साहब, आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं और आपकी खिदमत है। खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ खुदा इस्तेमाल कर रहा है, प्रस्तुति के लिए खुदा इस्तेमाल करता है, कलाम की सच्चाइयों को बयान करने के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आपकी खूबसूरत गवाही जो है आज कलीसिया तक पहुँचे ताकि कलीसिया आपकी गवाही को सुनकर बरकत पा सके। आमीन। सबसे पहले मैं मसीह यीशु में आप सबको सलाम करूंगा। आमीन, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं खुदावंद यीशु का शुक्र करता हूं कि आज उसने ये मौका दिया है कि मैं गवाही पेश करूं और जिंदा का कलाम जो है वो पेश कर सकूं। आमीन। मेरी गवाही कुछ इस तरह से कि मैं खुदावंद से बहुत दूर था और गो के मैं चर्च भी जाया करता था, लेकिन जिस तरह से मुझे खिदमत में आना चाहिए था, जिस तरह खुदा के साथ मेरा तल्लक होना चाहिए था, उस तरह से नहीं था। और गवाही में इस तरह से कि मैं पहले शो किया करता था, गाने गाया करता था, प्रोग्राम्स किया करता था, मैं एक प्रोफेशनल सिंगिंग किया करता था और उसके बाद मैं एक प्रोफेशनल डांसर भी था और लोगों के प्रोग्राम्स शादी ब्याह पे मैं जाके डांस किया करता था। और ये मेरी रियलिटी गवाही है कि मैं जिसमें बिल्कुल नहीं शर्मा रहा इस बात की। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा ने फिर मुझे अपनी कलाम के लिए, अपनी खिदमत के लिए बुलाया और खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि मैं खुदावंद की बुलाहट के मुताबिक जो है वो खुदावंद के पास आया और फिर खुदा ने मुझे कसरत से इस्तेमाल किया और खुदा ने मुझे अपना पाक कलाम अपने पाक रूह के वसीला से सिखाया
और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर शफीक साहब का जो मेरे रूहानी उस्ताद है, जिन्होंने पाक कलाम की मुझे तालीम दी और बहुत सारे खुदा के खादमों के साथ रह के मैंने ज़िंदा पाक कलाम सीखा और फिर आगे सुनाना शुरू किया। मेरी ज़िंदगी में खुदा ने सबसे बड़ी जो ये चीज़ कही कि मैं खुदा ने मुझे गीत लिखने का तोड़ा भी बख्शा और गीत कंपोज करने का, गीत गाने का, और आज खुदा का शुक्र है बहुत सारी जगहों पे मैं वर्शिप करने के लिए जाता हूँ, ना कि पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। और आइंदा वक्त भी मैं जो है खुदा मुझे मलेशिया का चांस दे रहा है और वहाँ पर भी खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। सो बहुत सारे गीत खुदा ने मुझे दिए जिनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा एक दो गीत का। गीत गा के मसा पा के उदी बार का नचा में सदा और यसु नाम मिला फेमस, मेरा जीवन संवर गया। वाह प्रेज द लॉर्ड। वाह ये गीत इंडियन लोगों ने भी बहुत गाया और दुबई में भी मेरा ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ और इंडियन लोगों ने बहुत बरकत पाई। अनिल खान साहब ने भी ये गीत अपनी सी डी में लाइक किया और गाया। सो इस तरह से मैंने बहुत सारे गीत खुदावंद के लिए लिखे और आज मुझे खुशी है कि जब मैं वर्शिप करता हूँ, झूमता हूँ, नाचता हूँ, जिस तरह मेरी एक गवाही में शामिल है कि जिस तरह मैं लोगों के प्रोग्राम्स पे, शादी ब्याह पे जाके, होटलिंग वगैरह पे जाके डांस किया करता था, और आज मैं, मुझे फ़ख्र होता है कि क्रूसेड कन्वेंशन में मैं ना कि मैं ही झूमता हूँ बल्कि लोग भी उसी तरह से झूमते और नाचते हैं। और खुदावंद में मुझे ये मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि आज मैं खुदावंद में झूमता हूँ, नाचता हूँ, खुदा की परस्तिश करता हूँ और उसके कलाम की जो है ना वो खिदमत करता हूँ। उसके बाद मैंने सेमिनरी की ग्रेस से, ग्रेस बाइबल स्कूल से, और उसके बाद फिर मैंने ये बकायदा तौर पे पास्टर की खिदमत में आया और आज मेरे पास एक चर्च है एफसी कॉलोनी में जहाँ पे मैं खुदा की खिदमत करता हूँ और आमीन, खुदा मुझे कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और ये सारी बातें मैं ये कहूँगा कि सारा जलाल यसु नाम को है। मैं एक बार फिर खुदावंद का शुक्र करता हूँ और उसके बाद प्रेस टीवी का जिन्होंने ये मौका बख्शा और ख़ास करके खुदा के बंदा पास्टर शहजाद का, और उनसे मुझे मिलकर आज बहुत बरकत भी मिली, बड़ी खुशी भी हुई है। खुदावंद यसु के नाम से आमीन, आमीन। बड़ी खूबसूरत गवाही है, तो मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद अपने खुदा के खूबसूरत गवाही के लिए। अभी हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर इमैनुअल ताहिर है। आप इनकी गवाही कई बार पहले भी सुन चुके हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप अपनी खिदमत और अपने विजन के तल्लक से ज़रूर आज कलीसिया के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, और शुक्रगुजार हूँ आपका प्रेस टीवी का कि खुदा ने यह खूबसूरत तोहफा हमें बख्शा है ताकि मसीह के नाम को जलाल मिले और अंजील दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, और शुक्रगुजार हूँ आज के इस खूबसूरत शो के लिए। सो ब्रदर, बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का जिसने मुझे चुना और अपनी खिदमत बख्शी, और ईमानदार जानते हुए उन्होंने मुझे ये खिदमत दी, और हम वफादार होते हुए अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए सबमिटेड हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कॉल किया, मुझे बुलाया, यीशु मसीह मेरे घर आए और उन्होंने मुझे अपनी खिदमत के लिए अपॉइंट किया, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे 5 खिदमतें दी जो इस वक्त बाइबल मुकद्दस में 5 खिदमतें हैं, वो सारी खुदा ने मुझे दी। अब मैं खुदावंद का शुक्र है कि उन 5 खिदमत में काम कर रहा हूँ। हम चर्च प्लांटर भी हैं, खुदावंद के हजूरी में मैं एक चर्च का निगबान भी हूँ, उसके अलावा मुबशराना खिदमत भी करता हूँ, और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी हॉलैंड ने मुझे, उन्होंने अपनी ब्रांच मेरे साथ पाकिस्तान में खोली हुई और मैं उनका सिलेबस पढ़ाता हूँ और उन्हीं की डिग्री हम लोग जो हैं वो दे रहे हैं। इसके अलावा द स्कूल ऑफ लीडरशिप जो है वो हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम लोग लीडर्स को जो है वो तैयार कर रहे हैं और इस तौर से मतलब उनको शाइन कर रहे हैं और उनको आगे से खिदमत में जो है वो भेज रहे हैं ताकि खुदा उनको बरकत दे, और इससे थोड़ा सा और आगे हम लीडर्स की फेलोशिप करवाते हैं जो मुख्तलिफ पासबान या मुबशर या एल्डर डीकन्स की हम फेलोशिप करवाते हैं 2 माह में 1 दफ़ा, ताकि सब मिलें और एक दूसरे के साथ हम इनकरेज हो और इस खिदमत के काम को और बेहतरीन और ख़ूबसूरती से कर सकें। सो खुदावंद हमें इस सारी खिदमत में इस्तेमाल कर रहा है, और यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं जो हर वक्त हमारे साथ होता है। पाक रूह कुद्स को जो है उसके इस खूबसूरत खिदमत में हमारे साथ होते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं। आमीन, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़ी रोया के लिए जो खुदा ने अपने बंदा को दी है। इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर सनी गुलाब, हम आपको वेलकम कहते हैं और चाहता हूँ कि आपकी गवाही भी आज कलीसिया तक पहुँचे। आमीन।
میں خداوند کا شکر کرتا ہوں. میرا نام پاسٹر سنی گلاب ہے اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ آج میں پریس ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ موجود ہوں, اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خدا کے بڑے عظیم خادم پاسٹر شہزاد صدیق جو ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا تاکہ ہم اپنی گواہی کو آپ کے سامنے شیئر کر سکیں. اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا, اور میں اپنی گواہی ان الفاظوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مثال کی کتاب میں کہ زانیہ قیمتی جانوں کا شکار کرتی ہے, اور ابلیس جو تھا وہ شروع سے جب سے میں دنیا میں آیا اس وقت سے میرے پیچھے تھا. جب میں 6 ماہ کا تھا اور اس وقت میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی, اور ڈاکٹر نے بول دیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہے گا, اور میرے پورے بدن کے اندر سوئیاں لگی تھیں. اور میری والدہ جو ہیں وہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں, اور ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اس کا علاج کریں اور میرا خداوند جو ہے اس کو زندگی دے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا. اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میری والدہ کی دعا کے وسیلہ سے آج میں اس جگہ پہ موجود ہوں, اور وقت کے ساتھ میں جیسے بڑھتا گیا اور میں اپنے خاندان میں سب سے پہلا پاسبان ہوں. میرے خاندان کے اندر کوئی پاسبان نہیں تھا اور کوئی خدمت کے اندر نہیں تھا, لیکن میں اپنے خاندان کے اندر پہلا ایک فرد ہوں جس نے مسیح یسوع کو مکمل طور پر قبول کیا. اور آج خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ میرے وسیلہ سے میرے خاندان کے لوگ جو ہیں مسیح یسوع کو اپنا رہے ہیں اور اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. اور خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ جب میں نے مسیح کو قبول کیا 2004 میں مجھے روح القدس کا بپتسمہ ملا, اور اس کے بعد پھر میں نے پانی کا بپتسمہ لیا. اور خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ پھر میں نے اپنی خدمت کا آغاز جب شروع کیا, مسیح کے ساتھ چلنا شروع کیا, چرچ میں کوائر کا کام شروع کیا, لیکن ابلیس مختلف وقتوں میں مجھے آزماتا رہا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ 2009 سے 2012 تک میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا, اور میری جو ٹانگیں تھیں نیچے والا حصہ جو تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا, میں چل پھر نہیں سکتا تھا, اور اس وقت میں خداوند یسوع سے کافی دور ہو چکا تھا. اور میری والدہ کہتی تھی کہ آپ جب مسیح یسوع کو قبول کرو گے اس وقت جو ہے آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میری والدہ کی بڑی دعا تھی, بڑی رویا تھی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ خدمت کرے گا. اور جب 2012 میں میرا ایک بڑا سیریس آپریٹ ہوا کہ میری یہ نیچے اسٹمک جو ہے یہ سارا اس کے اندر سے اسے واش کر دیا گیا, اور رات کو جب ڈاکٹر اس کو دوبارہ مجھے انجیکشن لگانے کے لیے آئے کہ پین کلر لگائیں گے, لیکن میری والدہ نے کہا کہ اس کو انجیکشن نہیں لگے گا, اس کو میرا یسوع جو ہے ٹھیک کرے گا, جس روز یہ یسوع کو اپنائے گا اور اس وقت یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور میری والدہ میرے لیے دعا کر رہی تھی, اور رات کو پھر میں نے خداوند کے حضور چلانا شروع کیا کہ خداوند تو سارا انتظام کر سکتا ہے. اور جیسے ہی خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے میری والدہ کی دعا کو سنا, اور میں نے جب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ خداوند میں تیار ہوں تیری خدمت کے لیے, اور اگر تو نے مجھ سے خدمت لینی ہے تو پھر تو ایسا کر کے مجھے انہی دنوں میں ٹھیک کر اور میں تیرے نام کو جلال دوں گا. اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے صحت و تندرستی دی, اور جو زخم میرا 6 ماہ میں کمپلیٹ ہونا تھا وہ 3 ہفتوں میں کمپلیٹ ہوا, اور یہ سارا عزت اور جلال خداوند یسوع کے نام کو ہے. اور خداوند نے ایسا کام کیا کہ 1 ہفتہ میں اس زخم کے ساتھ بیڈ پہ رہا, اور 2 ہفتے میں اپنی والدہ کے ساتھ لاہور میں بائک پہ بٹھا کر مبشرانہ خدمت کرتا تھا. اور میں جب بائک چلاتا تھا اور میرا ویئر جو تھا وہ بلڈ کے ساتھ بھرا ہوتا تھا, لیکن میری والدہ کہتی تھی کہ خدا ان کا جلال ظاہر ہوگا, اور 3 ہفتوں کے بعد میرا جو سکن تھی وہ ایسے ہوگی جیسے یہ میرا اس وقت ہاتھ ہے. اور یہ سارا جلال خدا یسوع کے نام کو ہے. اور میں ایک گواہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے میرے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوا, پاسٹر شہزاد اس وقت خدا کے بڑے عظیم خادم یہ گواوا کے اندر موجود تھے, اور انہوں نے یشوع کے بارے میں خدا کے کلام کو سکھایا,
اور اس عبادت میں میں موجود تھا، اور خدا کے خادم نے بتایا کہ یشوع دعا میں رہتا تھا، موسیٰ جو ہے وہ دعا کر کے خدا سے کلام لے کے باہر آتا، لیکن یشوع جو تھا وہ دعا میں رہتا تھا، خیمہ اجتماع کے اندر وہ رہتا تھا۔ اور اس روز میں نے اس گواہی کو، اس ایمان کو اپنے اندر لیا، اور میں نے پیچھے جو ایسٹر ہمارا گزرا ہے، ایسٹر سے عید پینتیکوست تک میں نے 50 دن کا روزہ رکھا اس ایمان کے وسیلہ سے، اس گواہی کے وسیلہ سے، اور اس کے بعد خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ آج خداوند نے میری کلیسیا کو بڑھایا ہے، اور میرے چرچ میں نئے لوگ ہیں، ایماندار لوگ بھی ہیں، اور آج میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ میں خدا ان سے کہتا تھا کہ خدا ان جب تیری مرضی ہوگی اس وقت میں ایک کسی بھی چینل پر جا کے خدا ان کے کلام کو، اپنی گواہی کو شیئر کروں گا۔ اور آج خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ خدا ان کے عظیم خادم پاسٹر شہزاد کے وسیلہ سے میں نے اس رویا، اس روزے کے ویژن کو اپنے اندر رکھا، اور آج خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ اس گواہی کو جو ہے آج میں ان کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اور آپ تک میری گواہی جو ہے ان کے وسیلہ سے پہنچی ہے۔ تھینک یو، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ خداوند قدرت والا ہے۔ آپ نے سنا کہ خدا نے کیسے معجزانہ قدرت سے اپنے بندہ کو زندگی دی، اور اپنے جلال کے لیے خدا انہیں استعمال کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سنیں گے خدا کے کلام کی خوبصورت باتوں کو۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ Your Miracle Day. Your Miracle Day. ویلکم بیک۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ نے ان باتوں کو سنا، آپ نے گواہیوں کو سنا، اور آپ نے برکت پائی ہے۔ میرے عزیزو، ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام مقدس کی خوبصورت باتوں کو سنیں گے۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے، اور آج یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خدا کے کلام کو پڑھنے اور خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے خدا ان کی برکت چاہتے ہیں۔ آمین، آمین۔ آج ہم بات کریں گے روح القدس کے تعلق سے، بات کریں گے قوت کے تعلق سے، اور بات کریں گے خدا کی گواہی کے تعلق سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تم یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ جی پاسٹر پرویز صاحب، بڑی خوبصورت ورس ہے۔ آج اور روح القدس کے تعلق سے ہم نے بات کرنی ہے، اور گواہی کے تعلق سے آپ نے آج کلیشیا تک پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو ضرور میں چاہتا ہوں کہ آج خدا کے کلام کی ان باتوں تک پہنچائیے۔ آمین۔ پر سب اس میں ہم دیکھیں گے پاک روح کے تعلق سے، اور قوت کے تعلق سے، اور پھر آپ نے جیسے کہا ہے کہ گواہی کے تعلق سے۔ یہاں پہ ہم پاک روح کے تعلق سے جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم خدمت کے لیے خداوند کے کھیت میں آتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہمیں پاک روح ملنا چاہیے، اور اس کے بعد پاک روح کی قوت جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے کہ پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، پاک روح اس لیے ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، اور قوت اس لیے ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ابلیس اور اس کی بدروحوں کے خلاف ایک جنگ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری اپنی ویل پاور سے، اپنی طاقت سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے، خدا کے پاک روح قوت ہمارے اندر ہے، تو پھر ہی ہم ابلیس پہ فتح پا سکتے ہیں۔ اور آگے ہم گواہی کے تعلق سے دیکھتے ہیں، ہماری جو گواہی ہے نہ کہ یہ ملک پاکستان تک، لکھا ہے یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک پاکستان، کراچی، پنڈی، لاہور، دیگر جتنے بھی شہر پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آؤٹ آف کنٹریز میں بھی ہماری جو گواہی ہے یہ نہ کہ صرف پاکستان تک ہی ہے، بلکہ ہم، لکھا ہے پاکلام میں کہ ساری خلقت میں جا کے انجیل کی منادی کرو۔ اور یہاں پہ گواہی جو ہے ہم بائبل مقدس کے مطابق دیتے ہیں۔ جب ہم خدا کا کلام لے کر جاتے ہیں دوسرے ممالک میں،
पाकिस्तान में जहाँ पे भी हम लोगों में जाते हैं वहाँ पे हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं। और ये गवाही देने का असल मकसद क्या है हमारा, आज हम इस पर भी कुछ गौर करेंगे कि हम दूसरे ममालिक में क्या लोगों को देखने जाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ मुल्क को देखने जा रहे हैं। हमारे पास खुदा ने एक हुक्म हमें दिया है जो हम पूरा करने के लिए जाते हैं और जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। अगर हम अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, दुबई जाएं या किसी भी कंट्री में खुदा का पाक रूह हमें कलाम की खिदमत के लिए के जाता है, तो उसके लिए मैं एक हवाला देखना चाहूँगा। मेरे साथ निकालें अमाल 13:47 में हम इस बात को देखेंगे कि जब हम गवाही के लिए जाते हैं तो उसमें हमारा मकसद क्या है, जाने का हमारा मकसद क्या है, हम इसके तलक से देखेंगे अमाल। और हम उसका 13:47 में मैं पढ़ूंगा। जी लिखा है अमाल उसका 13:47 में पढ़ूंगा। ये बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट आयत इसी चीज़ के लिए है कि जब हम दूसरे ममालिक में या जहाँ पे भी जिस जगह पे भी जाते हैं खिदमत के लिए जाते हैं और हमारा विजन क्या है, हमारा मकसद क्या है जाने का। लिखा है ये पलूस और बरनबास को खुदा ने हुक्म दिया है, उसके तले से हम देखेंगे, क्योंकि खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक निजात का बाइस हो। हमारे पास जो मकसद होता है वो है निजात। हम दूसरे ममालिक में या किसी जगह पे भी जाते हैं खुदा का कलाम सुनाते हैं तो हम दूसरे लोगों के लिए निजात का बाइस हों, क्योंकि खुदा की बादशाही में जाने के लिए ज़रूरी है कि लोग निजात पाएँ और खुदा के पास आएँ। निजात पाने का मतलब तौबा, गुनाहों से मखलसी, खताओं से मखलसी और खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुल जाना, और ये निजात का काम है इसमें। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें कि उन लोगों को निजात की जो है वो खुशखबरी दें ताकि हम दूसरे लोगों के लिए निजात का बाइस बने और दूसरे लोगों के लिए निजात का बाइस हों। इसलिए ज़रूरी इस बात के लिए कि हमें चाहिए कि हम जिस जगह पे भी जाते हैं खुदा का कलाम सुनाते हैं। जब हम खुदा का कलाम सुनाते हैं तो लोग खुदा का कलाम सुन के यीशु पर ईमान लाते हैं। खुदा का कलाम सुनने के बाद लोग यीशु पर ईमान लाते हैं। और आगे मैं 48 और 49 दो आयतें और भी पढ़ना चाहूँगा। गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ना कि सिर्फ हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के तलक से ही ना देखें बल्कि गैर कौमों के लिए भी खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम जब गैर कौम भी सुनते हैं तो वो भी खुदा के कलाम की बढ़ाई करते हैं और उस पर ईमान लेके आते हैं, यीशु पर ईमान लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है हमेशा की ज़िंदगी पाई जाती है। और आगे दूसरी 49 आयत में देखेंगे और उस तमाम इलाका में खुदा का कलाम फैल गया। जब हम यरूशलेम से यहूदिया से सामरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाका में जाकर खुदा का कलाम सुनाते हैं, इसका मतलब यह है, और उसके बाद आउट ऑफ कंट्री सुनाते हैं, तो यकीनी तौर पर जब हम कलाम सुनाएंगे तो कलाम फैलेगा। जब कलाम सुनाया नहीं जाएगा तो कलाम नहीं फैल सकता। इसलिए ज़रूरी है खुदा का कलाम फैलाने के लिए हमें खुदा का कलाम के लिए निकलना पड़ेगा और हमारे पास कुव्वत का लिबास होना ज़रूरी है, खुदा का पाकरू होना ज़रूरी है, कुव्वत होना ज़रूरी है। इसके बगैर हम खेत में काम नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने इस बात के लिए कहा है कि रूल कुद्दस तुम पर नाजल होगा और तुम कुव्वत पाओगे। इसलिए जब हमारे में कुव्वत होगी, खुदा की कुदरत होगी, यकीनी तौर पर खुदा हमें मेरिकल्स के लिए, मौजाद के लिए भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु में कुव्वत थी, आज भी है, इसी तरह से वो खादमों में भी कुव्वत अंडेलना चाहता है। जब कुव्वत होगी, कुदरत होगी, यकीनी तौर पर हम मौजाद भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करेंगे और खुदा का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुंचेगा। आमीन आमीन। जी पास्टर इमैनुअल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसी वर्ष के तलक से, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। जी पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक और बड़ी खूबसूरत आयत आज चूज़ की गई है और हम देखेंगे कि रुलकुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और कैसे कुव्वत पाएंगे और उसके बाद गवाह कैसे ठहरेंगे, हम आज इस मुकाशफा की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई है जील
और उसका 7:37-40 आयत तक देखेंगे। और कलाम में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। क्लापा के पढ़े और सुने जाने से हम सब पर बरकत है। आमीन। अब देख सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल को नहीं पहुंचा, मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठना और उसके बाद वो आसमान पर जाना और बाप के दाहिने हाथ बैठना, यीशु मसीह जलाल में उस वक्त पहुंचा जब वो अपने दाहिने हाथ खुदा के जाकर बैठ गया। और जब वो दाहिने हाथ बैठा तो अब एक नया जो है एक दौर का आगाज हुआ और कहा गया कि अब तुम रूह कुद्स पाओगे और तुम कुवत पाओगे। और उसका जो पहले बयान यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह कर चुके हैं कि जब तुम प्यासे हो और अगर मुझसे पाओगे तो मैं तुम्हारे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी करूंगा, कि जिंदगी की नदियां जब तुम पाक रूह पाओगे तो तुम्हारे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी होंगी। आमीन। तुम्हारे अंदर से पाक रूह जब तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे अंदर ये कुवत डालेगा, तुम्हारे अंदर ये कुदरत आएगी, तुम्हारे अंदर ये कुदरत काम करेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुदा का रूह है। और जब खुदा का रूह आपके अंदर है तो फिर नदियां जारी होंगी। आप देखिए, इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मसीह खुदा अपने जलाल को नहीं पहुंचा था। इससे पहले रूह इस तौर पर कसरत से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मसीह अपने जलाल को नहीं पहुंचा था। उसी उसके लिए एक पूरा एक सेटअप खुदा बाप ने किया हुआ था कि जब तक मेरा बेटा अपने जलाल को नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक ये काम शुरू नहीं होगा। अब जब नदियां जारी होंगी तब आप और मैं रूह कुद्स के अंडर काम कर रहे होंगे। और नदियां जारी, अगर हम इससे पीछे जाएंगे, एक मैं थोड़ा सा कनेक्शन बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह सामरिया में गए तो सामरिया में जाकर उन्होंने सामरी औरत से बात की। हम इस पर वापस आएंगे, लेकिन मैं उस कनेक्शन को डिफाइंड करना चाहता हूं कि जब सामरी औरत से बात करने के लिए गए, और हम देखते हैं उसके लिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 4:11 से देखेंगे। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, पर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उस में से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। अब बड़ा खूबसूरती से खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे सामरी औरत को एक नई तालीम दी, एक नई तालीम दी। और नई तालीम क्या दी? नई तालीम बपतिस्मे की दी, कि बपतिस्मा आपने लेना है और बपतिस्मे से क्या होगा, बपतिस्मे से आप नई जिंदगी पाएंगे। और बपतिस्मा लेने से, पानी का बपतिस्मा लेने से आप अपनी जिंदगी बचाते हैं, कि ये चश्मा होगा और तेरे अंदर एक नई जिंदगी जारी होगी। जब नई जिंदगी जारी होगी उसके बाद इसका कंसर्न है, हम अगली आयत से जो कि 7 से देखते हैं, 37 से जो है 39 आयत तक, और उसमें बड़ा खूबसूरत बयान हुआ है कि जब तुम पर रूह कुद्स नाजल होगा तो तेरे अंदर से नदियां जारी होंगी। और इंग्लिश बाइबल फरमाती है, द रिवर्स विल फ्लो फ्रॉम यू, कि रिवर्स तुम्हारे अंदर से जारी होंगे। और जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आपके अंदर से एक चश्मा फूटता है, और जब आप रूह कुद्स पाते हैं तो
अंदर से नदियां यानी दरिया जारी होते हैं, और ये डिफरेंस जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब दरिया जारी होंगे तो आप दूसरों के लिए फायदेमंद होंगे, और जब चश्मा जारी होगा तो आप अपने लिए फायदा रखते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं आप अपने लिए फायदा रखते हैं, जब आप पाखरू पाते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी को महफूज रखते हैं बल्कि उससे आप दुनिया को बचाते हैं। और इसके आगे हम अगर चले तो लिखा है कि तुम कुवत पाते हो और तमाम दुनिया में मेरे गवाह ठहरते हो। गवाह ठहरने के लिए हमें दलेर होना पड़ेगा, और दलेर होने के लिए हमें पाखरू की जरूरत है। अब देखिए कि पतरस को पाखरू मिला, और पतरस ने पाखरू जब हासिल किया, नदियां उसके अंदर से जारी हुई, तो जारी होने के साथ ही उसने कलाम सुनाया, 3000 लोग मसीहत को कबूल किए और यीशु मसीह में शामिल हो गए। तेरा शुक्र करते हैं। सो जब हम गवाह ठहरेंगे, रूल कुछ पाएंगे, तो उसके पीछे एक कनेक्शन मौजूद है, और वो कनेक्शन है कि यीशु मसीह अपने जलाल को पहुंचे, और यीशु मसीह के वसीला से हम जो रूह हासिल करें वो हमारे अंदर दलेर भी करेगी और हमें गवाह भी ठहराएगी। आमीन। जबरदस्त। तो ज़रूरत है कि हम रूह कुदस को हासिल करें, क्योंकि रूह कुदस ही दलेर करता है, रूह कुदस ही हमें आगे लेकर चलता है, और लिखा है कि रूह जो है वो गहरी बातों को बयान करता है, भेद जो छुपे हुए हैं रूह कुदस उन्हें हमारे सामने खोल देता है। रूह कुदस के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप मनादी नहीं कर सकते, आप गवाही नहीं दे सकते। इन सारी बातों के लिए हमें ज़रूरत है खुदा के रूह की, और इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया कि मैं अपना रूह तुम्हें दिए जाता हूँ, और हमें इस बात के लिए घबराना नहीं है, जबकि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि तुम रूह कुदस के मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और मेरे चीज़ों ज़रूरत है कि हम सिर्फ उसको अपनी ज़िंदगी में दावत दें। जी पास्टर सनी गुलाब, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादमीन ने की हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज की जो आयत मिली जिस पर आप बात कर रहे हैं, और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। इस आयत को मैं आपके सामने फिर से पढ़ना चाहता हूँ कि लिखा है कि लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे और यरूशलम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि खुदावन ने आज मुझे ये सिखाया अपने कलाम के वसीला से, रूह कुद्दस की हदायत से मुझे ये मुकाशवा दिया कि यहाँ पर लेकिन जब जो है लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये इंतज़ार का है। यहाँ पर हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि जो हम इंतज़ार नहीं करते आज खिदमत में। आज ज़रूरत है कि जब हम खिदमत में आते हैं, जब हम इस बात का बोझ रखते हैं कि हमारे अंदर रूह कुद्दस काम करे, जब हम इस बात का बोझ रखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो मोजज़ात जो यीशु मसीह अपने रूह के वसीला से हमारी ज़िंदगी से करना चाहता है, और उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा। तो अगर हम पीछे देखें यूहन्ना की अंजील में उसका 20 बाब और उसकी 22 और 23 आयत जो है हमें इस बात को सिखाती है कि रूह कुद्दस के बगैर जो है हमारे अंदर खौफ पाया जाता है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ और उस वक्त हम इस बात को देखते हैं कि शगिर्द यीशु मसीह के साथ थे, खिदमत करते थे, मौजज़ात को देखते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एक खौफ की लहर दौड़ रही थी। लेकिन जब यीशु मसीह उनके दरमियान आ ठहरे और उस वक्त खुदावंद यीशु ने उन पर लिखा पाक कलाम में कहा, ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा कि रूह कुद्दस लो। जब यीशु मसीह ने रूह कुद्दस यानी कि वो पाखरू उन पर फूंक दिया, उस वक्त उनसे वो खौफ की रूह जो थी, वो दहशत की रूह जो थी, वो जाती रही। और यही पाक कलाम जो है आज हमें सिखा रहा है कि रूह कुद्दस के बाद हमारे अंदर कुवत पैदा होगी, हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होगा, और हकीकत में रूह कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए जो खातमीन आज इस कलाम को सुन रहे हैं, जो कलीसियाएँ आज इस कलाम को सुन रही हैं, जो
نوجوان آج اس کلام کو سن رہے ہیں ان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں روح القدس کا تجربہ رکھنا چاہتے ہو, روح القدس کا تجربہ لینا چاہتے ہو, تو دعا روزے میں ٹھہرنا شروع کرو. آمین. جو شخص دعا روزے میں ٹھہرے گا اپنے آپ کو گرا دے گا, کیونکہ خداوند یسوع المسیح جب اپنی زمینی خدمت کر رہے تھے اور خداوند یسوع المسیح نے دعا کو بڑی اہمیت دی, اور جب یسوع المسیح دعا کر کے لوگوں کے درمیان نکلتے تھے اس وقت معجزات ہوتے تھے. آج کلیسیاؤں کے اندر معجزات کی کمی اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ دعا روزے میں نہیں ٹھہرتے, روح القدس اس طور سے کام نہیں کرتا. لیکن جو لوگ انتظار کرتے ہیں, لکھا ہے کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا, اور شاگردوں نے انتظار کیا, اور انتظار کے بعد رسولوں کا اعمال اس کے دو باب میں لکھا ہے کہ 120 لوگوں کی جمع جو تھی جب جمع تھی دعا میں ٹھہری ہوئی تھی اس وقت خدا کا روح ان پر نازل ہوا, اور وہی 120 لوگوں کی جماعت 3000 میں تبدیل ہوئی, اور خدا کا کلام پورا ہوا کہ وہاں بہت سے قوموں کے لوگ جمع تھے, اور یروشلم سے لوگ جمع تھے, یہودیا سے لوگ جمع تھے, سامریا سے لوگ جمع تھے, اور یہی لوگ جو تھے یہ مسیح کے گواہ ٹھہرے. مسیح خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. آمین. آمین. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے. میرے عزیزوں, بھی وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے ایک دوسرے کے لیے کہ خدا ہمیں روح القدس کی قدرت سے اور بھرے, اور ہم اسی طرح انجیل کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے. آئے مل کر دعا کرتے ہیں. خدا قدوس, ہم تیری پاک حضوری میں آتے ہیں, تجھے سجدہ کرتے, تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں. خدا تیرے کلام کی ان باتوں کے لیے, کلام کی سچائیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ان کو خدا تیرا کلام تیرے لوگوں کی زندگی میں اسی طرح پھلدار ہو خدا, اور تیرے لوگ تجھ میں رہ کر بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے چلے جائیں. خداوند, اے باپ, تیرے بندہ پاسٹر پرویز کے لیے, پاسٹر ایمانوئل کے لیے, پاسٹر سنی کے لیے, خدا ان کی خدمت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا اور انہیں برکت کی دعا دیتا ہوں. خداوند, اسی طرح خدا ہم مل کر ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں, پاکستان کی سلامتی ہو, تمام سیکورٹی اداروں کی سلامتی چاہتے ہیں, پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کی سلامتی چاہتے ہیں. خدا ہم پاک, خدا ہم مل کر پریس ٹی وی کے لیے برکت چاہتے ہیں. خدا ہم اس کی حدیں اور بڑھتی چلی جائیں. خدا ہم پاک, خدا, اور تیرا نام اسی طرح قوم اور امتوں میں جلال پاتا رہے. مسیح خدا ہم یسوع کے نام سے آمین. آمین. تو میرے عزیزو, خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ نے یقیناً برکت پائی ہے. پاسٹر پروفیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کی خدمت کے لیے, آپ کے لیے, ساری پرستش کے لیے جو آپ کرتے ہیں. خوبصورت گیت آپ لکھتے ہیں, بڑے فیمس سانگ ہیں, گیت گا کے مسا پا کے دی بارگاہ سے نچا میں سدا, یہ بہت فیمس سانگ ہے, اور چند سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بہت پاپولر ہے, آج بھی پاپولر ہے. اور جو گیت آپ نے دوسرا لکھا, یسو نام ملا, یسو نام ملا میرا پسندیدہ سانگ ہے, اور میں بھی اس کو بہت گاتا ہوں آج تک بھی, اور میرے بچے بھی اس کو گاتے ہیں, اور میرا جیون بدل گیا. یہ بڑا خوبصورت سانگ ہے کہ واقعی ہمارے جیون, ہماری زندگیاں یسوع کے آنے کے وسیلہ سے ہی بدلتی ہیں. تو خدا آمد آپ کو اور برکت دے. بھائی پاسٹر ایمانوئل, تھینک یو ویری مچ آپ کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری, اور پاسٹر سنی, خدا آمد آپ کو بھی برکت دے. تو ناظرین, خدا آمد آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل, گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس پریس ٹی وی. آمین. Your Miracle Day.